नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A12 versus Tecno Spark 8 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A12 में 6.46 इंच जबकि Spark 8 Pro में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A12 में 2.98 इंच जबकि Spark 8 Pro में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A12 में 0.35 इंच जबकि Spark 8 Pro में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो A12 में 205 ग्राम जबकि Spark 8 Pro में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A12 में RTFT LCD जबकि Spark 8 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A12 में 20:9 जबकि Spark 8 Pro में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A12 में 6.5 इंचेस जबकि Spark 8 Pro में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A12 में 720x1600 और Spark 8 Pro में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A12 में 82.06% जबकि Spark 8 Pro में 84.73% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A12 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Spark 8 Pro में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Spark 8 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A12 में पावर GE8320 जबकि Spark 8 Pro में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A12 में MediaTek Helio P35 और Spark 8 Pro में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Spark 8 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Spark 8 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A12 में अप टू 1TB जबकि Spark 8 Pro में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A12 में Android V10 Q जबकि Spark 8 Pro में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A12 में 3 कलर्स जबकि Spark 8 Pro में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,670 रुपीज
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,450 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें स्पार्क 8 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,599 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A12 में 2 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 8 प्रो की तो उसमें 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A12 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में स्पार्क 8 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है, दूसरा Samsung Galaxy M02s है, तीसरा Vivo Y12G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।